सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 6 मई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया, उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मनगढ़ंत तथाकथित हवा हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को यह सच्चाई पता चल गई है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं। शराब घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, पीएमओ ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश रची, उनकी छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की एक गहरी साजिश रची, क्योंकि शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई। एक फिल्म का गाना था, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। कल से भाजपाइयों से जो भी पूछा जा रहा है, भाजपाई कह रहे हैं, कहते हैं मुझको हवा हवाई। हवा में एक घोटाले की बात करते थे, हवा में एक जांच की बात करते थे। ईडी ने, सीबीआई ने जो जांच शुरू की, उस जांच में कहा कि तो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। पहले ईडी सीबीआई ने मान लिया 70 करोड़ की कोई जानकारी हमारे पास नहीं, 70 करोड़ का तो कोई सबूत ही नहीं, 30 करोड़ का सबूत है, ऐसा एक झूठा प्रचार और झूठी जानकारी उन्होंने अपनी चार्जशीट में रखी। यह कहा कि राजेश जोशी नाम के एक वेंडर को साउथ के कुछ लिखकर व्यापारियों ने 30 करोड़ की रिश्वत दी, वो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में खर्च किए गए। राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 6 महीने से पूरी की पूरी ईडी सीबीआई, पूरा का पूरा विभाग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाओ गोवा जांच करो, जांच करो। बेचारे ईडी सीबीआई वाले क्या करते हैं, दिन रात गोवा में लगे हुए हैं, इससे पूछो उससे पूछो, इसको पकड़ो उसको जेल में डालो, इसको हड़काओ उसको धमकाओ। सारी जांच कर ली ईडी सीबीआई ने, सारी जांच कर ली। उसके बाद ईडी वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुआ है। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक विधानसभा के प्रदेश के चुनाव में मात्र 19 लाख रुपए कैश में खर्च करती है। मैं नहीं, ईडी और सीबीआई कह रही है, ईडी और सीबीआई कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। कोर्ट ने पूछा भाई आप ये 30 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे हैं, कहते हैं कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं तो गिरफ्तार करके क्यों रखा है, यह तो आपकी जांच ही फर्जी है, बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी, यह कहते हुए कि शराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण ईडी के पास नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और यह हवा हवाई झूठा मनगढ़ंत जो घोटाला खड़ा किया गया,
इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी जांच आप कर रहे हैं जिसका न सिर है न पांव है। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं शराब घोटाला झूठ का एक पुलिंदा है, बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन प्रमाण जुटाने के लिए दबाव बनाया गया पीएमओ की ओर से, प्रमाण जुटाने के लिए जबरदस्ती ईडी पर दबाव बनाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि अरे केजरीवाल की छवि खराब करो, कहीं से भी पकड़ो, सबको गिरफ्तार करो, आम आदमी पार्टी की छवि खराब करो, इनके नेताओं की छवि खराब करो। तो क्या क्या किया इसके लिए? एक चंदन रेड्डी नाम के व्यक्ति को पकड़ा, उसको मारा पीटा, दोनों कनपट्टी फाड़ दी उसकी, बोले लिखिए बयान कह रहा हूं, कनपट्टी फाड़ दी दोनों। हाई कोर्ट में उसने केस किया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाई। समीर महेंद्र ने कोर्ट में कहा साहब हमसे जबरन जबरदस्ती बयान लिया ईडी ने। अरुण पिल्लई ने कोर्ट में कहा साहब हमसे गलत जबरदस्ती बयान लिया। इतना ही नहीं, कितनी झूठी कहानियां, और कैसे चीखते थे, नाचते थे भाजपाई, ऐसे लगता था टीवी फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिया। हमें तो डर लगता था कि भाजपाई कहीं पगला के स्क्रीन फाड़ के ना बाहर निकल जाए टीवी से, इतना तेज चीखते चिल्लाते थे। मैंने सारे साक्ष्य रखे कि 14 के 14 फोन जिंदा है हुजूर, चल रहे हैं। और देखिए ईडी के झूठ का पुलिंदा, 7 फोन तो ईडी और सीबीआई वालों के पास, 5 फोन तो ईडी और सीबीआई वालों के पास ही है, 4 ईडी के पास है, 1 सीबीआई के पास है, बाकी सब चल रहे हैं, सारे फोन चल रहे हैं। कह रहे 14 फोन तोड़ दिया मनीष सिसोदिया ने, ऐसे ही चीखते थे भाजपाई, चिल्लाते थे। फिर क्या कहा, संजय सिंह का नाम है 4 सीट में, संजय सिंह का नाम है 4 सीट में। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने खुद ईडी वालों को नोटिस भेजा मानहानि का, मैंने कहा बताओ क्या इसकी सच्चाई। तो लिख के उन्होंने गलती मानी, बोले लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, कभी नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कभी ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा, ऐसे मत करो, इतना झूठ मत करो। मालूम है मोदी का दबाव है, मालूम है भाजपा का दबाव है, मालूम है पीएमओ कार्यालय का तुम्हारे ऊपर दबाव है, लेकिन ऐसे बदनाम करोगे किसी को भी, ऐसे हवा हवाई झूठ बोलोगे? तो इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से नाप रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए, झूठे बयानबाजियां की, झूठे तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सामने आके इस जो साजिश के पीछे, इस गहरी साजिश के पीछे जो उनका और उनके दफ्तर का हाथ है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। शराब घोटाला, शराब घोटाला, बिना मतलब, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। अरे भाई, जिस राजेश जोशी के नाम पे तुमने कहा कि 30 करोड़ रुपए इसको रिश्वत दी गई और इसने गोवा के चुनाव में लगाया, कोर्ट में एक साक्ष्य, एक सबूत ईडी नहीं प्रस्तुत कर पाई। गौतम मल्होत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे, एक साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है? किसी को भी चौराहे से पकड़ो, 4 तमाचे मारो, किसी को कहो तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे, किसी को कहो तेरे बुजुर्ग माँ बाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे, किसी को कहो तेरा हम व्यापार चौपट कर देंगे, और उससे कुछ भी बयान लिखवा लो, कोई सच्चाई नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह काला चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की यह गहरी साजिश 6 मई को माननीय कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के सामने आ गई है। और यह सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है,
आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में, झूठे आरोप लगाने में, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो, कोई भी सफल नहीं होगा। ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। सुनी होगी ये कहावत आपने। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सजा पा चुका हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जो पार्टी व्यापम घोटाला करती हो, जो पार्टी रेड्डी ब्रदर्स और यद्रप्पा के जैसे माइनिंग घोटाले करती हो, जो पार्टी अडानी के चरणों में बैठकर लाखों करोड़ का घोटाला करती हो, जिस पार्टी के बारे में कर्नाटक के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में किसी भी बच्चे से पूछो, भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। कर्नाटक में गांव गांव में पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। तो जिन भाजपाइयों के दिमाग में दिन रात घोटाला 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 चलता रहता है, उनको तो सावन को के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। घोटालेबाजों को मनगढ़ंत झूठा एक शराब घोटाले का आरोप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था, इसीलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी। लेकिन इसका पूरा सच, पूरा साक्ष्य, पूरा प्रमाण अब देश के सामने आ गया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी लेके, नाक रगड़ के पूरे देश से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो आदेश है 6 मई का कोर्ट का आदेश, ये निश्चित रूप से आने वाले केस में भी इसकी सच्चाई माननीय जो हमारे अधिवक्तागण हैं वो रखेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। अब फिर मैं उन्हीं चीजों को दोहराऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपाई कल से क्यों गाना गा रहे हैं कि कहते हैं मुझको हवा हवाई, कहां गए? जो पूरे के पूरे आरोप कोर्ट में ध्वस्त हो गए, एक सबूत एक प्रमाण नहीं मिला, तो अब मुंह जिलाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे टाइप भाजपा कुछ भी बोलती रहे। कहा था ना चीख के, 14 फोन तोड़ दिए मनीष सिसोदिया ने, मैंने सारे साक्ष्य रखे। तो भाजपाइयों को माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए? कहा गोवा के चुनाव में पैसे लगे, कोई सबूत नहीं मिला, तो इसके लिए भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए? जितने झूठ उन्होंने मेरे खिलाफ बोला, खुद ईडी ने कह दिया गलती हो गई, गलती से नाम लिख दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं गंदी राजनीति करो, इतनी घटिया। अब दिक्कत क्या है कि गुजरात में शराब घोटाला होता है, उत्तर प्रदेश में शराब घोटाला होता है, नकली शराब पी के लोग मर जाते हैं, यही सब करते हैं भाजपाई। तो उनको यही लगा होगा कि आम आदमी पार्टी पे एक मनगढ़ंत हवा हवाई ख्याली पुलाव घोटाला बनाओ, तो बना दिया उन्होंने ख्याली पुलाव घोटाला। बहुत बदल देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन वहाँ पर कर्नाटक के अंदर हमारे नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर निर्णय लिया, हम वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी को, हम राष्ट्रीय दल हैं, हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कंफ्यूज है कि आपको सपोर्ट करे ना करे? देखो ऐसा है कि ये तो कांग्रेसियों से आप पूछिए,
और जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही बयान से सहमत नहीं है। जो लोग बयान दे रहे हैं जिनका नाम आपने लिया माकन जी का, उनके बीजेपी से क्या रिश्ते हैं, क्यों नहीं वो अडानी के जेपीसी की मांग पे बोलते, क्यों नहीं वो 1300 करोड़ के प्रधानमंत्री के बंगले पे नहीं बोलते, क्यों नहीं वो 8400 के हवाई जहाज पे बोलते, ये माकन जी से पूछिए क्या रिश्ता है उनका बीजेपी से।